ओके सो चालू करते हैं आगे डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। अब डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है? अगर देखो मैं आपको रीसेंट का एग्जांपल दूं ना, तो कुछ टाइम पहले की बात है, चाइना ने डिवैल्यूएशन करी थी अपनी करेंसी की। कुछ टाइम तो नहीं इसको हो गया, इसको काफी टाइम अगर अपन बात करते हैं तो 2015 के आसपास की बात होगी, चाइना डिवैल्यूड इट्स करेंसी। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो अपनी करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में या ओवरऑल फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में वो अपनी करेंसी को चाहे तो महंगा या सस्ता कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और अपनी करेंसी को सस्ता कर दिया। ठीक है, अब सर्च कर रहे हो क्या चाइना के बारे में? ओ मेरे को लगा फोन चला रहे हो तो सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। कौन सी गवर्नमेंट ने? चाइना की गवर्नमेंट ने। क्या एक्शन लिया? चाइना की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि जो हमारी करेंसी है हम उसे थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं। क्यों सस्ता कर देते हैं? क्योंकि इकोनॉमी डाउन जा रही है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, एक्सपोर्ट्स हमारे हो चुके हैं कम, फॉरेन से आने वाला डॉलर्स, फॉरेन से आने वाला पैसा हमारे पास हो चुका है लिमिटेड। तो जब चाइना की गवर्नमेंट को लगा कि अब हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है और कोई सोर्स नहीं बचा है हमारे पास, या फिर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिवैल्यूएशन किया करेंसी का। क्या किया? अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में डीवैल्यू कर दिया। बोलो क्या कर दिया? डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यूएशन का मतलब हुआ जब चाइना की करेंसी, अगर इंडिया के कंपैरिजन में युआन की बात करी जाए, तो इंडिया के कंपैरिजन में उस टाइम पे युआन चलता था 20 रुपीज पर युआन। मतलब एक युआन खरीदना है तो आपको 20 इंडियन रुपीज देने पड़ते थे, जो कि युआन ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके 20 रुपए की जगह 10 रुपए मतलब आधा कर दिया। मतलब वर्ल्ड में जो भी चाइना की करेंसी खरीदना चाहता है वो आधी रेट में खरीद सकता है। मतलब अगर डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक डॉलर में उस टाइम पे 3 युआन आते थे और एक डॉलर में फिर उस टाइम पे 6 युआन आने लगे। समझ गए? तो मतलब इससे क्या हुआ, इससे चाइना का प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता हो गया और हमने एकदम से चाइना के प्रोडक्ट की क्या कर ली, डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि अब हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारे लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए। समझ आ गया क्या? तो ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी थी, गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी होती है जहां पे गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, गिरा देती है, ठीक है, ताकि लोग क्या कर सके, ताकि एक्सपोर्ट्स उनका बढ़ सके। जैसे इंडियन करेंसी ने डीवैल्यू नहीं करा, बिल्कुल करा है। इंडियन करेंसी आज से 2 से 3 बार तक डीवैल्यू हो चुकी है। इंडियन करेंसी को अपन ने डीवैल्यू करा था 1947 आजादी के टाइम से, 1950 के अराउंड, ठीक है, 1950 में एक बार डीवैल्यूएशन करा था, और 1991 में अपन ने डीवैल्यू करा करेंसी को, ठीक है, तभी तो इतनी वैल्यू गिरी। क्यों कराई, क्यों करा डीवैल्यूएशन? ये डीवैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि जस्ट हाफ कर दो, चाइना ने जो किया वो जरूरी नहीं है। अपनी करेंसी को 20% कम कर दो, 10% कम कर दो, 30% कम कर दो, दैट्स एन एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। तो भाई सरकार अपनी तरफ से कितना भी परसेंट क्या कर सकती है, रिडक्शन कर सकती है, 10% करे, 20% करे, 30% करे, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। वहीं पे गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हमें करना ही नहीं है एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते एक्सपोर्ट, ठीक है, अब हमें हमारी करेंसी को एप्रिशिएट करना, इंक्रीज करना है। हमारी करेंसी को क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं, एप्रिशिएट करना चाहते हैं, वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। सरकार अगर ऐसा बोलती है कि हम हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अगर आप अकाउंटेंसी समझते हैं तो अकाउंटेंसी के अंदर आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पढ़ा होगा, डेफिनेटली। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना, और नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आप ये समझ लीजिए, डी वैल्यू मतलब वैल्यू को डिग्रेड करना, रिवैल्यू मतलब, ठीक है, इसको, ठीक है, रिवाइटिलेट करना मतलब इंक्रीज करना, आसान भाषा में, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन बोला जा रहा है तो उसको बढ़ाना, और डीवैल्यूएशन बोला जा रहा है तो उसको गिराना। चलिए ठीक है, तो अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया डीवैल्यूएशन का और रिवैल्यूएशन का, कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया। तो डीवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होता है डीवैल्यूएशन और क्या होता है रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ओके, अब गवर्नमेंट चाहे तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में करेंसी को रिवैल्यू कर सकती है? तो चाहे तो कर सकती है।
चाहे तो आपको क्या लग रहा है जो डॉलर है आज की डेट में कितना है, 82। लो सरकार चाहे तो कल की कल में, ठीक है, डिसीजन लेके $1 = 1 INR कर सकती है। बट क्या है, नेक्स्ट वेरी मोमेंट इंडिया बर्बाद हो जाएगा। कर तो देगी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले ही दिन सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे नहीं मतलब आप घर पे रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, नौकरियां खत्म हो जाएगी। मतलब सड़क पे आने का मतलब ये नहीं कि सड़क पे सच में आ जाना, लिटरल मीनिंग नहीं है सड़क पे आने का, बट हाँ कंडीशन वही हो जाएगी कि घर बार सब बेचना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, आईटी कंपनी जीरो, और आईटी कंपनीज के कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा वो सब जीरो, इंडिया का सारा एक्सपोर्ट जीरो। तो जो भी इंडिया से एक रुपए का भी सामान एक्सपोर्ट करता है या उससे कनेक्टेड है वो सब जीरो हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टील का काम करते हो, स्टील के प्रोडक्ट्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करे जाते हैं, ब्रास के प्रोडक्ट्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करे जाते हैं, इंडिया से बहुत सारे जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया जाता है वो सब जीरो, कपड़े वगैरह एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो सब जीरो। तो बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर, मतलब ऑलमोस्ट 50% इंडियन इकोनॉमी विल बी कोलैप्स्ड, ठीक है, राइट अवे, मतलब इमीडिएट इफेक्ट के साथ अगले 2 से 3 दिन के अंदर। कोविड इतना, ठीक है, भौकाल नहीं मचा पाया था जितना अकेला ये डिसीजन मचा सकता है। मतलब आप सोच लो, कोविड में इतने लोग नहीं मरे थे जिससे ज्यादा लोग इसकी इस डिसीजन से मर सकते हैं। क्यों मर सकते हैं, रीजन बताई चुका हूं मैं आपको। हाँ, जो सरकार है वो क्या कर सकती है, सरकार चाहे तो अगर नहीं बस की होती है तो इसको डिवैल्यू कर सकती है, और डिवैल्यूएशन आपको पता है मैंने बताया था कई बार कर चुकी है सरकार। चलिए, हाँ, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज एंटायरली डिफरेंट, सुने उसको ध्यान रखना, वो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है, और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन प्योरली डिमांड और सप्लाई की वजह से है। प्लस एप्रिसिएशन शो करता है कि अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है मतलब आपकी करेंसी पावरफुल हो रही है। जैसे पहले के मुकाबले लेट सपोज यूरो जो है वो 100 रुपये चलता था, आज वो यूरो 80 रुपये हो गया, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी यूके की इकोनॉमी के सामने स्ट्रांग हो गई है, पावरफुल हो गई है। समझ आ गया, ठीक है। तो व्हेन अ कंट्री ब्रिंग्स डाउन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय गवर्नमेंट ऑर्डर इट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। इसको क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन इज द सेम एज दैट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन का इफेक्ट जो आता है वो डेप्रिसिएशन के जैसा ही होता है। व्हेन अ कंट्री रेजेस द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय अ गवर्नमेंट ऑर्डर। यहां पे आपको समझने की बात क्या है, मैं आपको स्पेसिफिकली इतनी देर से यही समझा रहा हूं, बाय अ गवर्नमेंट ऑर्डर समझना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस से नहीं हो रहा। यहां पे साफ साफ लिखा है बाय अ गवर्नमेंट ऑर्डर। क्या है, गड़बड़ अपने से यही होती है एग्जाम में, अपन गलती क्या कर जाते हैं, रिवैल्यूएशन की जगह डेप्रिसिएशन लिखा, वो रिवैल्यूएशन जो है उसकी जगह डेप्रिसिएशन, या डिवैल्यूएशन की जगह डेप्रिसिएशन, और रिवैल्यूएशन की जगह एप्रिसिएशन को लिख के आ जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, भाई डिवैल्यूएशन या ठीक है रिवैल्यूएशन पूछ रहा है, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑर्डर चलेगा, तो आपको गवर्नमेंट ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ चंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इज द सेम एज दैट ऑफ एप्रिसिएशन, इसका इफेक्ट अल्टीमेटली इकोनॉमी में सेम आएगा, मगर ये क्या है, सरकार के लिए हुए डिसीजन है। देखो, इकोनॉमी अगर वैल्यू डेप्रिशिएट होती है एप्रिशिएट होती है चल जाता है काम, वो अपने हिसाब से मार्केट फोर्सेस से चला रहेगा। सरकार डिसीजन क्यों लेती है, सरकार इंटरवेंशन क्यों दिखाती है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर जैसे कि मैंने चाइना की इकोनॉमी के लिए बताया था, भाई चाइना को 300 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था, 300 लाख करोड़, ऑलमोस्ट इंडिया की सारी कंपनियां बिक जाए इतने में, इतने का चाइना को नुकसान हो गया था, चाइना की करेंसी एकदम डूब चुकी थी, गवर्नमेंट को एक्शन लेना जरूरी था, हालांकि अभी भी चाइना की इकोनॉमी डूब रही है, बट वो चीज अलग थी यार। उस टाइम पे जैक मा वर्ल्ड का मतलब एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन चुका था, और जैक मा एक दिन में दो दिन में उस ड्यूरेशन के अंदर, एक दो चार दिन के ड्यूरेशन के अंदर 29th रिचेस्ट पर्सन रह गया था। मतलब सोचो कितनी ज्यादा वेल्थ जैक मा ने अकेले ने खोई थी उस टाइम पे। तो अगर जैक मा ने इतनी ज्यादा, जैक मा जानते हो अलीबाबा का ओनर, जो अलीबाबा जैसे अलीबाबा है जैसे अपना अमेजोन है, तो जैसे वैसे ही चाइना का एक अलीबाबा चलता है, चाइना में alibaba.com चलता है, जैसे इंडिया के अंदर चलता है अपने फ्लिपकार्ट इंडिया का हो गया, ठीक है अब तो बिक चुका है, ठीक है जैसे कि अपना अपन बात करते हैं अमेजोन की, तो उसी तरीके से alibaba.com, ठीक है ये जैक मा का है, ठीक है, जो कि चाइना का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन था, चाइना की वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ चाइना वंस अपॉन अ टाइम,
अब थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, ठीक है, बट इसकी वेल्थ सोचो इतनी ज्यादा इरोड हो गई थी कि कुछ दिन के अंदर, दो चार दिन के अंदर अंदर फ्रॉम 1 to 29th, तो सोचो इतनी वेल्थ इसकी इरोड हो गई थी। इसको बचाया सरकार ने। अब डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का ये डिफरेंस दे रखा है, एग्जाम में आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, 3-4 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेते हैं जनरली ये लोग, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो डिवैल्यूएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बट वर्ड क्या यूज कर रखा है? बाय द गवर्नमेंट। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, बाय मार्केट फोर्सेस। यहां पे क्या दे रखा है? टेक्स प्लेसेस ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर, ये होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से, ठीक है। ये कब होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। और ये कब होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मगर मैं आपको बता देता हूं, सरकार चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लेक्सिबल हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता ही रहता है। इसको कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या कहते हैं इसे? मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैरिट क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के? देखो यार, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत थी? हमारे पास चल तो रहा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या आई हमारे साथ? क्या मेरे पास क्या होना चाहिए? बैकअप ऑफ गोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैकअप ऑफ गोल्ड होना चाहिए। उसी से तो रेट डिसाइड होगी। अब जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड है, उतनी ज्यादा उसकी करेंसी की रेट हो जाएगी दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में, और जिसके पास गोल्ड नहीं उसके पास वैल्यू नहीं, तो फिर क्या करें? तो इसको गोल्ड की वैल्यू से हटा के मार्केट फोर्सेस पे लाना जरूरी था। तो ये बोलता है कि यार सबसे पहले नो नीड फॉर इंटरनेशनल रिजर्व, ये छुप गया इसके पीछे। यहां पे लिखा है नो नीड ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व। तो ना तो आपको फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही आपको गोल्ड मेंटेन करने की जरूरत है। बट मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिकली जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड या जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होता है, उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेशन, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, इट एनहांसेस द एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन अकॉर्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू बी मोर ऑप्टिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से आप यहां पे क्या कर सकोगे, ठीक है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकोगे। जहां ज्यादा प्रॉफिट नजर आएगा, रिसोर्सेज को वहां पे इन्वेस्ट करोगे। जैसे बीओपी में अपन ने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स अपन ने पढ़ा, कहां पे इन्वेस्ट करोगे? जहां पे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा आपको। कोई भी कंट्री इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहती है बताओ? व्हाई इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे पीपल फाइंड, कंट्रीज फाइंड इट इज वेरी ऑप्टिमम टू इन्वेस्ट। आज की डेट में दुनिया के अंदर देखा जाए ना, तो पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो है वो चाइना के जस्ट बाद इंडिया है, और कई कंट्रीज में तो इंडिया ज्यादा बेटर है। इंडिया को ज्यादा फेवरेबल माना जाता है चाइना के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंडिया के पास वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। पहला मैन पावर, दूसरा कि हम लोग का जो मैन पावर है वो सस्ते में काम करने के लिए तैयार है, इसीलिए तो इंडिया एक्सपेंशन ले रहा है। चाइना क्यों एक्सपैंड हुआ? चाइना इसलिए तो एक्सपैंड हुआ, चाइना में आपको जो प्रोडक्ट जिस रेट पे चाहिए उस रेट पे आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी बढ़ा दो, जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना कम प्राइस, और जितना कम क्वांटिटी उतना ज्यादा प्राइस। चाइना ऐसे खेलता है। तो इंडिया में भी वही सेम सिस्टम, सारे के सारे लोग इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए आ चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है भाई। टेस्ला को छोड़ दो एक बार, बाकी कंपनीज को देखो आप। एप्पल इंडिया में आ गया, एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी। एचपी, लेनोवो, ठीक है, वन प्लस, सब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर रहे हैं। क्यों? इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में क्या है? मैन पावर, क्वालिटी मैन पावर, तीसरा मैंने क्या बताया आपको? सस्ता, चीप लेबर। चीप मतलब चीप वाला चीप नहीं, चीप मतलब सस्ता वाला चीप, कि हाँ सस्ते में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, कि हाँ इजी रेट्स पे अवेलेबल हो जाता है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहीं पे यूएस की तनख्वाह अगर आप देखो तो यूएस में यू हैव टू पे एटलीस्ट 5 times, यूके में यू हैव टू पे एटलीस्ट 5 times, और इंडिया में आपको वो सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। मैं आपको बता आजकल क्या करती है कंपनी, कंपनी कितनी चालाक हो चुकी है, कंपनी इतनी चालाक हो चुकी है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका छोटा भाई जो है ना, वो गया है यूके में कहीं, यूके में जॉब, मतलब उसका है तो टीसीएस में जॉब, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में उसका जॉब है, बट वो कहाँ रहता है अभी? वो रहता है यूके में, ठीक है। पैकेज सुन के हंसी आ जाएगी, 18 lakh rupees। अब 18 lakh rupees इंडियन टर्म्स में तो बहुत बढ़िया है, बट यूके के टर्म्स में सफाई वाला ज्यादा कमा लेगा। हाँ, तो भाई और क्या है? तो यार आप एक बात बताओ,
यूके में आपको यूरो में पेमेंट हो रहा है, यूरो चलता है 80 रुपए, तो यूरो में थोड़ी कोई 18 लाख का पैकेज सफिशियंट है, समझ रहे हो? तो अगर 100 रुपए का अज्यूम करते हो तो कितना हुआ, 18,000 यूरो, बस। वहां पे एवरेज सैलरी इतनी हो जाती है पर मंथ की, तो बहुत कम है पैसा। बट समझो बात को, बात क्या है पता है? बात यह है कि उसका रहना खाना फ्री है, उसका रहना खाना फ्री है। तो कंपनी ने उसको इंडिया में ट्रेन किया, इंडिया से काम सिखाया, इंडिया में काम सिखा के उसको यूके भेज दिया, यूके भेजा उसे, कंपनी के क्वार्टर्स में रहता है, कंपनी के ऑफिस में काम करता है, क्वार्टर्स अलग से बने हुए हैं, वहां पे रह लेता है, खाना पीना कंपनी की तरफ से रहता है, जितने भी इंडियंस वहां पे रहते हैं, ऐसा नहीं अच्छी लाइफ जी रहा है वो वहां पे, रहना वगैरह मेन खर्चा रहने का और खाने का ही तो होता है, वो कंपनी उसे दे देती है वैसे भी। अब उसे घूमना है तो वो घूम सकता है, 18 लाख रुपए उसको सूखे सूखे मिलेंगे, समझ गए? तो 18 लाख रुपए इंडिया में रिसीव करता तो वो 18 लाख ही रिसीव करता, और यूएस यूके में उसे 18 लाख मिल रहे हैं तो उसे पूरे सूखे सूखे 18 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है? सारी फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से अलग से मिल रही है, जो कि इंडिया में उसे कभी भी अवेलेबल नहीं होती। तो आप समझ रहे हो कंपनी ने क्या दिमाग लगाया, यूके में काम करने के लिए बंदा रखते तो 1 करोड़ की तनख्वाह देनी पड़ती, 1.5 करोड़ की तनख्वाह देनी पड़ती, वही काम वो 18 लाख की सैलरी से करवा रहे। खाने का ही तो खर्चा बढ़ा, बाकी खर्चा कहाँ बढ़ा? समझ आया व्हाई कंपनीज आर सेंडिंग इंडियंस टू आउटसाइड टू अब्रॉड एट इंडियन पैकेजेस? भेज तो भार रहे हैं बट पैकेजेस क्या है, इंडियन पैकेजेस है, ठीक है? पैसे इतने इंडिया वाले ही मिलेंगे, पैसे आपको यूएस वाले नहीं मिलेंगे, यूके वाले नहीं मिलेंगे, तुम जॉब कहीं पे भी कर रहे हो, ये सीन हो चुका है। आपको समझ आई क्या? तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, पैसे का इन्वेस्ट करने, ये क्योंकि करेंसी का फेर है ना, करेंसी का चेंज देख लो ना, 80 टाइम्स वहां से 82 टाइम्स डॉलर्स को देखो, 82 टाइम्स का डिफरेंस है, तो सस्ता तो पड़ेगा ना उनको इंडिया, सीधी सी बात है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वेंचर कैपिटल मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप कोई से भी स्टार्टअप को उठा के देख लो, हर स्टार्टअप के अंदर फॉरेन से पैसा लगता है, इन एवरी सिंगल स्टार्टअप। और एक्चुअली क्या होता है वहां पे ना, इनके इवेंट्स होते हैं वहां पे ना, इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने, ठीक है, कोई प्रोडक्ट तैयार किया, आपने कोई ऐप तैयार किया, अब आप ऐप को लेके कहां चले गए, यूएस में, यूके में, शंघाई में, अलग अलग कंट्रीज में आप जाते हो, वहां जाते हो, अपना प्रेजेंटेशन देते हो, वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होती है। अगर कोई इन्वेस्टर को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है या शॉर्टलिस्ट हो जाता है आपका प्रोडक्ट, तो वो आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि शार्क टैंक इंडिया था ना, ठीक है, शार्क टैंक इंडिया, अब शार्क टैंक इंडिया में तो कितने से इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे, 4-5 इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे, और आपको तो पता है उसके अंदर थोड़ा सा अगर इंडिया में चल रहा है तो थोड़ा सा वो मसाला, बॉलीवुड मसाला डालना पड़ेगा, थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, गरीबी, ये सब भी दिखाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, ये इंडिया में चलता है इसी। बट उसमें अगर तुम्हारा ऐप बेस्ड बिजनेस नहीं हो ना तो भी तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा वहां पे, बट वहां पे अगर आपको जाना होता है तो ऐप बेस्ड बिजनेस ही होता है, आईटी सेक्टर ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो आप फॉरेन में जाते हो, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आता है लोगों को, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है लोगों को सही लगता है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जितने भी आज की डेट में आप देखते हो ना स्टार्टअप्स वगैरह जो आईटी फेज पे चलते हैं, वो सारे के सारे बैक्ड बाय फॉरेन रिसोर्सेज होते हैं, तो वेंचर कैपिटल कहा जाता है। और वेंचर कैपिटलिस्ट इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको करना है छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट होता है और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है। भाई फॉर देम इट्स व्हाट, इट्स लेट्स से, ठीक है, $100,000, और $100,000 का मतलब क्या हो गया, $1,00,000 इंडिया के लिए कितना हो गया, 8.5 करोड़, 8.25 करोड़, $100,000, $1,00,000, 80 लाख, 80 लाख हो गया, तो इंडिया के लिए 80 लाख रुपए हो गया, 80 लाख भी कितना ज्यादा अमाउंट हो गया। या उनको फॉर एग्जाम्पल $1,000,000 अगर इन्वेस्ट करना है तो $1,000,000 इज नॉट बिग फॉर देम, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए $1,000,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट फॉर इंडिया इट्स लाइक 8.2 करोड़, जो कि काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है, समझ आ गया? तो स्टार्टअप के लिए डीमेरिट्स क्या है इसके, इनस्टेबिलिटी, प्राइसेस की फ्लक्चुएशन कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है, डिस्करेज इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी वजह से डिस्करेज हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, इंस्टेबिलिटी रहेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्करेज हो जाएगा। अच्छा आप सुनो, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसका, यूएस में क्या हो रहा है अभी, इनस्टेबिलिटी, यूएस की हालत खराब है आज की डेट में, वर्ल्ड में अगर सबसे हालत खराब कौन सी कंट्री ही है, ठीक है, तो वो चाइना और यूएस है। अब पाकिस्तान को सर काउंट ही कौन करता है,
इतना नीचा थोड़ी सोचना होता है आप समझ रहे हो, मतलब थोड़ा ऐसे क्लास का तो सोचो ना सर, मतलब जैसे इंडिया अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज की डेट में तो उसी के बारे में बात करेंगे ना अपन। तो यूएस और चाइना की तो बहुत बुरी हालत है, बैंड बजा पड़ा है। चाइना में तो कंपलसरी है वर्क करना, तुम्हारे कोविड हो गया, बोले सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा कोविड हो गया, अब चल चुपचाप से आ, बोले सर कोविड कोविड हो चाहे नहीं हो मेरे को मतलब नहीं है, तेरे को काम करने आना पड़ेगा। वहां के सारे लोग कोविड है चाहे नहीं है, दे आर वर्किंग। चाइना में कंपलसरी हो गया, कुछ भी शटडाउन नहीं होगा, कुछ भी बंद नहीं करेंगे। चाइना की तो ये हालत है कि एवरीथिंग इज ओपन, सब कुछ, पूरे पूरे परिवार को कोविड होके सही हो गया, ऑफिस जाने के चक्कर में दोबारा कोविड हो गया, बट दे आर वर्किंग, वो लोग काम कर रहे हैं। चाइना में प्रॉब्लम पता क्या हुई, चाइना में प्रॉब्लम हुई वैक्सीन की, चाइना की वैक्सीन वॉज नॉट गुड, चाइना में वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ जिस वजह से कोविड वापस रिटर्न हुआ। इंडिया में वैक्सीनेशन काफी प्रॉपर तरीके से हुआ था, ठीक है, और अब आपके बूस्टर्स भी लगेंगे, आप लोग के लग गया ना सबके वैक्सीन, लग गया ना सबके, हाँ लगवा लो मैडम, अब कब लगवाओगे? अरे खुद ने बिल्ड कर लिए, वैसे मेरे को क्या जरूरत है, मैं मेरा ब्लड कोई और ले लो, ठीक है, उसको कोविड नहीं होगा अब, ठीक है। चलिए मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, दोनों तरीके के एक्सचेंज रेट का एक मिक्सचर होता है। एक होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है, जहां पे एक्सचेंज रेट एक बार फिक्स कर दी, फिर वो टाइम टू टाइम चेंज होगी, समय के हिसाब से चेंज होगी, डायरेक्ट मार्केट फोर्सेस से नहीं, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज, गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स के हिसाब से उसको चेंज करती रहेगी। तो जैसे 3 महीने बाद रेट चेंज हुई, 6 महीने बाद रेट चेंज हुई, इसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरी होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चेंज होती है। तीसरा होता है डर्टी फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रही है, मगर गवर्नमेंट ने तुरंत आके उसके अंदर इंटरवेंशन दिखाया, गवर्नमेंट ने तुरंत आके उसके अंदर इंटरवेंशन किया, उस रेट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, तो उसको कहा जाता है डर्टी फ्लोटिंग या फिर मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ, एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने लिए क्या कुछ एक्शंस, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, जो अचानक से प्राइसेस फॉल कर रही है या जो इंक्रीज कर रही है उसको मैनेज कर सके, उसको कहा जाता है डर्टी फ्लोटिंग या फिर मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। तो एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड एज मैनेज फ्लोटिंग, इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज मैनेज फ्लोटिंग। क्या कहते हैं इसे, बोलो, मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। मैनेज फ्लोटिंग समझ आ गया कि मैनेज फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब इट इज अ सिस्टम इन विच द सेंट्रल बैंक अलाउज द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। एक्सचेंज रेट को कौन डिटरमाइन करेगा, मार्केट फोर्सेस, बट इंटरवेंस एट टाइम टू इन्फ्लुएंस द रेट, बट कभी कभी इंटरवेन कर देती है टू इन्फ्लुएंस द रेट। जैसे कि यही सेम चीज कब हुई थी हमारे साथ, 2013 में, ठीक है, डॉलर पागल हो गया था एकदम से, अचानक से, मतलब इतना ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ था ना, जो अनस्टेबलाइज हो गई थी इकोनॉमी, वो 2013 में हुई थी, 2013-14 के आसपास की बात है ये, प्रोबेबली 2013 से पहले डॉलर चलता था 50 रुपए, 48-49, 44 से 45 से 50 के बीच में चलता था। एकदम से अचानक से बूस्टर्स लगे और 2-3-4 महीने के अंदर अंदर ये पहुंच गया 50 से 65। इट इज अ ट्रेमेंडस चेंज, ये एक बड़ा चेंज है भाई। आज की डेट में आप बोलोगे सर आज की डेट में 80-82 रुपीज हो रखा है, तो भाई वो 80-82 रुपीज होने में टाइम लगा है, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ये कितना टाइम लगा इसको भाई, आज 2014-15 से मान लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 साल में जो रेट है वो 65-70 के बीच में जो चल रही थी वहां से लेकर 82 तक पहुंची, और 3-4 महीने के स्पैन में सोचो कितनी से कितनी रेट होगी, ठीक है, जहां पे रेट चल रही थी आपकी
₹50 ₹45 ₹65 तक पहुंच गया, तो इंस्टेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं है? बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने तुरंत, उसमें आरबीआई के गवर्नर को चेंज हुए थे उस टाइम पे, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर ने तुरंत आके डिसीजन लिए, जिसमें उन्होंने यूएस डॉलर जो उनके पास पड़े थे उसको सेल करा, सप्लाई बढ़ाई। सप्लाई बढ़ाने से क्या हुआ? सप्लाई बढ़ाने से अचानक से जैसे सप्लाई बढ़ी तो जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई। डिमांड फुलफिल होते ही रेट ऑफ एक्सचेंज थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई। क्या हुई बोलो? रेट ऑफ एक्सचेंज थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई। समझ आ गया क्या? तो एक्सचेंज रेट जो एकदम से अनस्टेबलाइज हो गई थी, ठीक है, वो स्टेबलाइज हुई बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, यहां पे लिखा है इसमें, इन अदर वर्ड्स, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट व्हिच कैन बी मॉडरेटेड बाय द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जरूरत के हिसाब से ये बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, पूरा पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, नहीं तो रोक लेते ना करेंसी को, 82 थोड़ी जाने देते। दे डोंट हैव एब्सोल्यूट पावर बट सम पावर टू मैनेज एक्सचेंज रेट स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी। किसके हिसाब से? इकोनॉमी के हिसाब से कर सकते हैं। लाइक इन द केस ऑफ सरप्लस और डेफिसिट बीओपी परमिशन ऑफ आईएमएफ हैज टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या बोल रही है? लाइक इन द केस ऑफ सरप्लस और डेफिसिट बीओपी, आईएमएफ की परमिशन लेनी पड़ती है एडजस्टमेंट से पहले। मतलब जब भी वो सरप्लस और डेफिसिट बीओपी होता है ना, उसमें फॉरेन एक्सचेंज बेचने से या खरीदने से पहले, ठीक है, आरबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है किसकी? आईएमएफ की। क्योंकि एक लॉट ऑफ अमाउंट, एक बहुत अच्छा खासा पैसा मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, या तो सरकार खरीद रही है डॉलर्स या फिर बेच रही है डॉलर्स, तो इसकी वजह से अनस्टेबलाइजेशन आ जाता है, तो इसलिए आईएमएफ की परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। डन। तो दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देयर इज नो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ एडजस्टमेंट, कोई रेट ऑफ एडजस्टमेंट नहीं है। देयर इज नो प्री डिटरमाइंड टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स आर अलाउड एंटायरली ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। इट इज फॉर मैनेजिंग अथॉरिटी टू अलाउ और रिजेक्ट एन अपील फॉर एडजस्टमेंट। तो मैनेजिंग, ठीक है, कमिटी पे डिपेंड करता है, मैनेजिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि आईएमएफ की मैनेजिंग अथॉरिटी पे बताया कि उन्होंने हाँ करा तो कर देंगे, मना कर दिया तो नहीं करेंगे। समझ आ गए क्या? अच्छा, अब एक छोटे सा एग्जांपल, छोटी सी बात है, बताइए अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो क्या एक्शन रहेगा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट विल सेल और बाय। सेल करने से क्या होगा? सप्लाई तो डिमांड फुलफिल हो जाएगी, और रिवर्स होता है तो बाइंग का डिसीजन रहेगा। डन। ठीक है, ठीक है।